केंद्रीय सरकार कहती है लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट, लेकिन जहाँ तक दिल्ली का सवाल है ये स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, ये यूनियन टेरिटरी है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तीन दिन दंगे हुए, रात और दिन 24/7 तीन दिन दंगे होते रहे। केंद्रीय सरकार के किसी मंत्री को न कोई स्टेटमेंट देते देखा गया और न ही कहीं घूमने के लिए गए, जिसके कारण यहाँ की पुलिस भी देखती रही। उसकी जो फुटेज आज दिखाई दे रही है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे भी होती है कि न तो केंद्रीय सरकार कोई एक्शन लेती है और न ही लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कोई एक्शन लेती है और न ही पुलिस। सब लोग तमाशा ही देखते थे। केंद्रीय सरकार चाहती थी कि जितने मरे मरने दो, जो जलता है जलने दो, कहीं फायर ब्रिगेड भेजने की कोशिश नहीं की। फायर ब्रिगेड जहां जाना चाहते थे पुलिस ने उनको अनुमति नहीं दी और कहा हम सिक्योरिटी भी नहीं देंगे। भड़काऊ भाषण भी रूलिंग पार्टी के लीडरों ने ही दिए, तो इसका मतलब है कि इन दंगों के पीछे केंद्रीय सरकार खुद थी और इनकी पार्टी। हम चाहते हैं जो कुछ भी हमें कहना है वो सदन के अंदर कहेंगे। हमने आज नोटिस दिया है सब अपोजिशन पार्टीज ने, राज्यसभा के अंदर भी लोकसभा के अंदर भी, कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, पूरा दिन चर्चा होना चाहिए। तमाम जो बिजनेस है, कार्रवाई है सदन की, वो स्थगित कर देनी चाहिए और इससे बड़ी कोई घटना दिल्ली में हो नहीं सकती। लेकिन सरकार ने कहा लेकिन सभापति ने गुलाम नबी आजाद का ये, मैंने कहा हालात संभालने की सरकार को फिक्र ही कहां थी। जब हालात संभालने की बनाने की जरूरत थी तो उस वक्त तो दंगे होने दिए इन्होंने।